हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसपी। कल के हमारे वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आज हम लोग सेट टू करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो संविधान के 69वें संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। आप सभी जानते होंगे कि पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन 1911 के दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई, तथा 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस ताप पर बर्फ, पानी और वाष्प तीनों संतुलन में रहते हैं, क्या कहते हैं? तो वह पॉइंट ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहलाता है। ट्रिपल पॉइंट वह पॉइंट होता है जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किस साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी? तो चोल साम्राज्य की। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर। ग्रेट बैरियर रीफ नामक प्रवाल भित्ति किस महासागर में है? किस महासागर में पूछ रहा है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो इसका आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग क्या था? तो 1992 से 1997। इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 1993 में। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए लघु ऋण उपलब्ध कराना या उसको बढ़ावा देना था, मतलब विमेन को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना था मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के उपासक क्या कहे जाते थे? तो विष्णु के उपासक अलवार कहे जाते थे, जबकि शैव के उपासक नयनार कहे जाते थे। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन के विज्ञान को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। किसी द्रव की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ही द्रव के पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका सरफेस टेंशन सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक इसका होगा न्यूटन पर मीटर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे। और भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, तथा ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। किस समिति के द्वारा केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बैंक के रूप में संस्तुति हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तथा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर कमेंट करना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष पूछ रहा है, तो संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, जबकि इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। तो संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला हुए, तथा संस्थापक महात्मा गांधी हुए। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु। डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? तो डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। शेरशाह सूरी को के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। शेरशाह सूरी ने ही सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी, तथा भूमि की नाप के लिए सर्वप्रथम सिकंदरी गज तथा सन की डंडी का प्रयोग भी किया था। शेरशाह का मकबरा बिहार स्थित सासाराम में है। गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटलांटिक महासागर की कुछ और गर्म जलधाराएं हैं, जैसे फ्लोरिडा जलधारा, ब्राजील जलधारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो कैग का कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो वही होता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किंतु इसको इसके पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। जिसका आधार क्या होता है? इसका आधार कदाचार या असमर्थता होता है। कैग के बारे में संविधान में वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स, तो इसका आंसर होगा पोलोनियम। आइसोटोप्स उनको कहते हैं जिसके परमाणु भार, परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? 1H1, 1H2, 1H3। तीनों में परमाणु क्रमांक समान हुआ 1 1 1, लेकिन उसका परमाणु भार 1 2 3 अलग अलग हुआ, तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। पोलोनियम का परमाणु क्रमांक 84 होता है तथा इसका परमाणु द्रव्यमान 209 होता है। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने। भारत छोड़ो प्रस्ताव की प्रथम बैठक 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी तथा 8 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया। पारित मतलब स्वीकार कर लिया गया तथा 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें सुबह सुबह ही प्रातः काल में ही गांधी जी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, इसलिए इसको ऑपरेशन जीरो आवर भी कहते हैं। मानव शरीर में तांबे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो तांबे की कमी से विल्सन रोग, जबकि पारी की कमी से मिनीमाता रोग होता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प उत्तरदायी है। पेड़ पौधों की शाखाओं तथा पत्तियों तक जल किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा केशिकत्व। केशिकत्व को कैपिलरिटी बोलते हैं। तो केशिकत्व में क्या होता है कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को कैपिलरिटी या केशिकत्व कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत राज्य क्षेत्र में के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर होगा महान्यायवादी। इसका वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है। भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार का विधि अधिकारी भी कहा जाता है। वह न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का, लेकिन वह सदन में या उसकी समितियों में बोल सकता है और भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई भी कर सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, और राष्ट्रपति ही जब चाहे उसे उसके पद से हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, जबकि हरा थोथा मीन्स हरा कशिश, नीला थोथा मतलब नीला कशिश, तो हरा थोथा फेरस सल्फेट को तथा सफेद थोथा जिंक सल्फेट को कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर नर्मदा नदी बहती है। किस मुगल शासक के समय में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था तथा औरंगजेब ने ही सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी 1675 में, और 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसने बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया था। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि पहाड़ों की ढलानों पर की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है? और साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।